हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, जहाँ मैं बनाने जाऊँगी बहुत सारी स्पेशल डिश। एंड स्पेशल डिश का नहीं, बहुत इजी एक डिश बनाऊँगी, साथ में कुछ प्रिपरेशन जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टरनून या इवनिंग में करती हूँ। जैसे मैं आज बनाने जा रही हूँ मलाई, तो मलाई मैं पहले से रेफ्रिजरेटर से निकाल के रखी थी। ये मेरा 3 से 4 दिन का मलाई है, करीब 2 कप है। इसको अच्छे से मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। आप लोग दही के जगह सॉल्ट भी डाल सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था दही डालने से जो घी का जो का सेल्फ लाइन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दही एक प्रोबायोटिक है जो घी को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर दही यूज़ कर रहे हैं। और दही डालने के बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं दही का जो प्रिपरेशन है वो मैं करूँगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम लोग इसी तरह से छोड़ देंगे लीड लगाते हुए 3 से 4 घंटे के लिए। इधर मेरा ग्रॉफर से सामान आ गया, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आशीर्वाद ने अभी न्यूली लॉन्च किया है सरबती आटा। मैंने सुना इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खासकर इसके आटे का जो टेक्स्चर है बहुत अच्छा होता है। हेल्थ बेनिफिट भी अदर्स जो सिंपल आटा है उससे बहुत बेहतर होता है, तो मैं इसको ज़रूर से ट्राई करूँगी। इसके बारे में भी हल्का सा रिव्यू देने की कोशिश करूँगी। और सिंपल मेरा ग्रॉसरी का आइटम है जिसमें मेरा मैदा है, थोड़ा सा इतना हाइजीन नहीं है, उतना हेल्दी नहीं है। बाकी जितनी भी सामान है, जैसे यहाँ पर राजमा है, छोला है, फॉक्सनट है, मस्टर्ड ऑयल है, और यहाँ पर क्लीनर है जो मैं ग्रॉफर्स का ही लाई हूँ, और ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और मैं हिमालय का पाउडर लाई हूँ बेबी के लिए, बिकॉज आजकल क्या होता है ना, मेरे पाउडर पे वो अटैक करते हैं। पहले मैं नहीं देती थी बट अब देना स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद हम लोग चले आए पार्क में, उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो पार्क में आते ही बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। रवि अब क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे पार्क से आते वक्त हम लोग चले गए फिश मार्केट में, जहाँ मैं फिश लेते हुए आई हूँ। और मैं जाके घर पे डायरेक्टली स्टार्ट कर दूँगी पहले घी बनाना, और साथ में मैं चाय चढ़ा के रखी हूँ। तो घी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक मिक्सी जार, उसमें ऐड करूँगी बर्फ़, और जो भी मलाई था उसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। करने के बाद जो आपका ब्लेंड स्ट्रेनर में बचा है वो आपका मलाई है। ये मलाई आप लोग स्टोर कर सकते हैं बच्चों लोग के लिए। और यहाँ पे जो दूध है उसको हम लोग अलग चढ़ा देंगे गैस में। मलाई को हम लोग यहाँ पर हेवी पैन में ले लिए हैं, मैं आयरन पैन यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम लोग लो फ्लेम पे घी को बनाने के लिए छोड़ देंगे, मतलब बीच बीच में हम लोग को स्टेयर करना होगा, नहीं तो घी जल सकता है। तो यहाँ पर घी देखिए स्टार्ट हो गया, उसका बबल स्टार्ट हो गया। तो इस स्टेज में हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। और यहाँ पे जो बर्तन में हम लोग रख दें वहाँ पर पनीर बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए घी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसी स्टेज में हम लोग को गैस को बंद करना होगा, नहीं तो घी जल सकता है। और मैं यहाँ पर घी को अच्छे से छान लूँगी। तो देखिए यहाँ पर रेडी हो चुका है होममेड घी, वो भी मलाई से, बहुत ही अच्छा बना था। जमने के बाद आप लोग समझ पाएंगे, अगर दानादार घी बनता है तो ही समझेंगे आपका घी एकदम परफेक्टली है। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, जिसके लिए मैं ऑनियन को चॉप कर लेती हूँ। और मैं बनाने जा रही हूँ स्टीम फिश करी। तो यहाँ पर मैं पहले प्याज को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि प्याज फ्राई करना है, अदरवाइज बाकी फिश को हम लोग फ्राई नहीं करने वाले हैं। गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पर मस्टर्ड एंड पॉपी सीड ली हैं, गार्लिक और लिए हैं, ग्रीन चिली और नमक। नमक डालने से जो पेस्ट होगा बहुत फाइन होता है। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर प्याज भून चुका है, डाल लें हल्दी और मिर्च, एंड इसको मिलाने के बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ पर मसाला ऑलरेडी रेडी हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर गैस को ऑफ कर देते। तो ले रही हूँ रेहू फिश जो 300 ग्राम है, साथ में डाल रही हूँ भुना हुआ प्याज, और साथ में हम लोग जो मसाला ब्लेंड करके रखी थी वही इसमें डालना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग मस्टर्ड और पॉपी सीड इक्वल क्वांटिटी में लिए थे 1:1 का रेशियो में, और साथ में ऐड कर देंगे पानी एंड यहाँ पर दही। तो आप लोग अपने हिसाब से पानी को ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम लोग इसको स्टीम के लिए रेडी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले नमक डाल देते हैं। हो चुका है, यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई जिसमें ले रही हूँ एक स्टैंड, और ऊपर से लीड लगाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फिश जो पहले से मैं यहाँ रखी थी। आप लोग इसको 15 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए।
इधर मैं बना लेती हूँ अपने बेटी के लिए मिक्स सब्ज़ी। जो मैं जस्ट मिक्स सब्ज़ी ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा डालते हुए 2 सीटी में ये सब्ज़ी बन जाएगी। सलाद कट चुका है, चावल बन चुका है, इधर फिश भी एकदम से रेडी हो चुका है। देखिए इसका लुक देखने से पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर में तेल आ चुका है, जिसका मतलब फिश अच्छे से बन चुका है। फिश बहुत जल्दी बन जाता है, एक बार ट्राई कीजिए। साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता डालने के बाद गैस बंद कर देते हैं और थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देंगे 10 to 15 मिनट। उसके बाद हम लोग सर्व करेंगे। और यहाँ पर जो मेरी बेटी के लिए जो सब्ज़ी बनाई थी वो भी रेडी हो चुका है। तो ये फिश मिक्स वेजिटेबल एंड फिश करी एंड राइस, ये था मेरा आज का डिनर रूटीन। तो ये था मेरा ओवरऑल आफ्टरनून टू नाइट रूटीन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।